सारा सामान रख लिया ना बेटा तूने? हाँ माँ, मैंने सारा सामान रख लिया है। इसमें मैं मामू को बोलूंगा कि मुझे मेरा फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर खाए, और लक्ष्मी को तो इस बार मैं ही कराऊंगा। अच्छा बाबा, अच्छा, खूब इंजॉय करना मामू के घर, लेकिन ये सारी मस्ती एक ही दिन में खत्म करनी है, क्योंकि कल हमने वापस भी आना है। क्या माँ, सिर्फ एक दिन? मुझे एक हफ्ते की छुट्टियाँ पड़ी है, और उसमें भी मुझे मामू के घर सिर्फ एक दिन लेके जा रहे हो। देखो बेटा, जैसे आपने अपने मामू के घर जाना होता है ना, अर्शित ने भी तो अपने मामू के घर जाना होता है ना। ठीक है माँ, आप सही बोल रहे हो, लेकिन इस पूरे दिन में हम फुल एंजॉय करेंगे। हाँ चलो बेटा, लेट हो रहा है, चलो चले। मम्मी, हम मामू के घर पूरा एंजॉय करेंगे। हाँ बेटा, हाँ कर लेना। मम्मी जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे, हमें जल्दी जल्दी तंग नहीं करना, मामू के घर तंग नहीं करना। ओके मोम, शरारत नहीं करनी कोई भी। ठीक है मोम, मैं बड़ा हो गया हूँ। हो गई सारी पैकिंग, अब मैं कोई अपना सीरियल देख लूँ फेवरेट। पापा का फोन? मम्मी पापा का फोन आ रहा है। हाँ बेटा दे। हेलो। हेलो सुषमा। हाँ जी बोलिए। देखो दीदी आ रही है घर पर, तो लंच में कुछ अच्छा सा रेडी कर लेना, ठीक है, और डिनर में भी कुछ अच्छा बना लेना। ये क्या बात हुई सुनील, आपको नहीं पता मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मैंने भी कहीं जाना होता है। देखो दीदी सिर्फ एक दिन के लिए आ रही है, वो भी बंटी बहुत जिद कर रहा था इसलिए उनको आना पड़ा। आपको पता है मैंने भी अपने घर जाना, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर तुम कल चले जाना। एक तुम और एक तुम्हारे रिश्तेदार, इन्होंने तो हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। एक ये और एक इनके रिश्तेदार मुझे जीने नहीं देते, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अशोक बेटा बात सुन, ठीक है मम्मी समझ गया, लगता है वो लोग आ गए। अरे बुआ जी आप, हेलो कैसे हो भैया? कैसे हो बेटा? मैं अच्छी हूँ बुआ जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। भाभी कहाँ? मम्मी घर पे नहीं है, वो अपने किसी फ्रेंड के घर गई है, बोल के गई थी कि शाम तक वापस आएंगी। लेकिन भैया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था मेरे को। बुआ जी पापा शायद भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, अंदर वेट कर लो। नहीं नहीं बुआ जी, आप अंदर मत जाना, अंदर ना दीमक मारने वाला स्प्रे किया हुआ है, उसका असर शाम तक खत्म होगा, जब उसका असर खत्म होगा ना तब आप आ जाना। चलो फिर चलते हैं। चलो बुआ जी मैं भी ट्यूशन जा रहा हूँ। बंटी शरारत मत कर। सुषमा बेटा, ये मैं तेरे लिए सूट लेके आया। सूट मेरे लिए? हाँ बेटे। तेरी बहुत शरारती हो गया है, आज मैं तुझे तेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है? वाह पापा वाह, सूट तो बहुत सुंदर है। एक बात बताऊं पापा, माँ के जाने के बाद आपने माँ की कभी कमी नहीं महसूस होने दी। चल पगली, अब मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर, चला मेरे बशीर बेटे। वाह दीदी क्या बना रहे हो आज? तुम्हारे फेवरेट दम आलू बना रहे हो। जल्दी बनाओ ना दीदी, ये तो मेरे बहुत फेवरेट है। हाँ हाँ थोड़ा सबर कर ले, बन जाएंगे। जा वाह।
मर गया, वो लोग चले गए। वाह शुक्र भगवान का, तेरे पापा को तो मैं देख लूंगी। अब तो जल्दी से सामान उठा और हम चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं, ठीक है? चल जल्दी कर, चलो आजा। लो आ गई महारानी, अब दो चार दिन यही सुनते हुए गुजरेंगे। दीदी यहाँ बैठ जाओ, दीदी ये खा लो, दीदी वहां सो जाओ। मुंह उठाकर आ जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि दूसरे इंसान का भी कोई प्लान होगा। हाँ हाँ बाबा आ रही हूँ। बजा बजा कर डोरबेल ही खराब करोगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और अब आप आ गई हैं, अब और अच्छी हो जाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। अरे कुछ नहीं, आप अंदर आइए, आपके भैया सुबह से 10 बार पूछ चुके हैं। अच्छा? दीदी नहीं आई, दीदी नहीं आई। अच्छा चलो। अरे कैसे हैं दीदी आप? नमस्ते आशीष, ठीक हूँ। आप दीदी आप बैठो, मैं पानी लेकर। ठीक है मम्मी, मैं टेरेस पे जाऊँ? हाँ बेटा जा। बड़े दिनों बाद मिलना हुआ है आज। आशीष तू जानता है तो है, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, घर का काम, कहाँ टाइम मिलता है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं इधर आई हूँ। और तू सुना, तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? बढ़िया, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप बताइए। लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू। और बताइए आप क्या लेंगी, टी या कॉफी? वैसे मुझे पता ही है आप अपनी फेवरेट कॉफी लेंगी। तू ना सुधु योचा। जाओ सुमन कॉफी बना लाओ। कॉफी तो वैसे भी 2-4 दिन यही चलने वाला। और घर पे सब अच्छे हैं? हाँ आशीष सब ठीक है, और तू सुना कैसे है? बढ़िया बढ़िया, सब इधर भी सब अच्छे। कॉफी बना दो। उन्होंने तो मुझे नौकरानी ही समझ के रखा है, ये नहीं सोचते हैं कि हॉलीडेज में किसी और का भी कोई प्लान होता है। कभी इनका कोई रिश्तेदार आ जाता है, तो कभी कोई रिश्तेदार आ जाता है। आइए दीदी बैठिए। छोड़ा यहाँ परिचित को? हाँ बहुत एक्साइटेड था अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, बस उन्हीं के बाद छोड़ आई हूँ। आशीष मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ भाभी मुझे देख के कुछ खुश नहीं है। समझा नहीं आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? पता नहीं मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाभी देख के मुझे कुछ खुश नहीं है। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है। ठहरिए दीदी ठहरिए, जिनसे आप पूछ रही हैं ये तो आपको कुछ बताने वाले नहीं है। इन हॉलीडेज में हमारा मनाली जाने का प्रोग्राम था, जो आपके आने की वजह से स्पॉइल हो गया। आपको हर हॉलीडेज में यही आना होता है क्या? मेरा क्या, मुझे भी तो इनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, हमने भी कहीं घूमने जाना होता है। बस करो सुमन, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मनाली लेकर जाऊंगा, क्यों दीदी के सामने सीन क्रिएट कर रही हो? रुको आशीष, क्यों भाभी को डांट रहे हो? शायद मैं ही गलत समय पे आ गई हूँ, मैं चलती हूँ। अरे नहीं दीदी मैं जाऊँ। रुको दीदी, सुनो तो दीदी। इन हॉलीडेज में हमारा मनाली जाने का प्रोग्राम था, जो आपके आने की वजह से स्पॉइल हो गया। आपको हर हॉलीडेज में यही आना होता है क्या? मेरा क्या, मुझे भी तो इनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, हमने भी कहीं घूमने जाना होता है। मैंने बहुत गलत किया दीदी के साथ, मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। मैं दीदी को फोन करती हूँ। हेलो दीदी, मुझे पता चला कि आप घर आए थे। हाँ मैं कई बार गई हुई थी, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। दीदी आप घर आ सकते हो, आ जाइए, मैं आपके वेट कर रही हूँ। अच्छा दीदी। हमने किसी के साथ कितना गलत किया इस बात का एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक हमारे साथ वैसा बर्ताव नहीं होता। कभी भी अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने से खुशियां घटती नहीं बल्कि दुगनी हो जाती हैं।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें क्रॉमवेल प्रोडक्शन को। धन्यवाद।